ऑफ रोडिंग के शौकीन यहाँ पे बहुत है मुझे पता है, मगर फिर भी अपनी मशीन से प्यार करना सीखी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरमान और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं कि तब क्या होगा जब रॉयल एनफील्ड बुलेट का या किसी और मोटरसाइकिल का जो साइलेंसर है वो पानी में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपका व्हीकल तब तक बंद नहीं होगा जब तक कि उसका एयर इनलेट जो है उसको अच्छे से एयर मिल रही है। हाँ, यहाँ पे अगर आपके आरपीएम कम होंगे तो साइलेंसर जो है वो पानी से भर जाएगा और उस केस में क्या होगा कि एग्जॉस्ट बाहर नहीं जा पाएगा, जिस केस में कि आपका पिस्टन के ऊपर जो है वो लोड बढ़ जाएगा और एक टाइम पे आके इंजन जो है लो आरपीएम पे अगर रखोगे तो वो बंद हो जाएगा। पर अगर यहाँ पे हम बात करें बुलेट के केस में, तो बुलेट का जो पिस्टन है काफ़ी बड़ा है, उसकी थ्रो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको एक ऑप्टिमम आरपीएम के ऊपर रखेंगे तो आपका बुलेट जो है वो कभी भी पानी में बंद नहीं होगा। अभी रिसेंटली ही हमारे यहाँ पंजाब में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके चलते कि एक बार मैं पानी में फंस गया था और इतना पानी था वहाँ पे कि मेरा पूरा का पूरा साइलेंसर जो था वो डूब गया था पानी के अंदर। तो उस केस में पैनिक इतना हुआ था मैं कि मैं वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सका, और ऊपर से मैं अकेला था, नहीं तो आपको रिकॉर्ड करके दिखाता तो कि उस टाइम पर क्या हाल था। और उस सिचुएशन से बिल्कुल हम कहते हैं ना मार्जिन से बच के निकला हूँ, क्योंकि जो एयर फिल्टर है वो ज़्यादा दूर नहीं होता है हमारे बुलेट के केस में साइलेंसर से। तो अगर पानी जो है वो एयर फिल्टर तक पहुँच जाता, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक पिक्चर में कि पानी एयर फिल्टर तक पहुँच गया था, मगर इतना नहीं पहुँचा था कि आपका बुलेट जो है वो बंद हो जाए। तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा कि आपका बुलेट जो है वो बंद हो जाएगा, उसके पूरे फ्यूल सिस्टम में पानी चला जाएगा, उसके सिलेंडर तक पानी पहुँच सकता है, क्योंकि कार्बोरेटर की वजह से कार्बोरेटर में अगर पानी आ गया तो आपका पिस्टन जो सेक्शन स्ट्रोक में पानी को भी खींच लेगा, तो उस केस में आपके इंजन को क्लीन अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इससे कैसे बचा जाए, इससे सिर्फ इसी तरीके से बचा जा सकता है कि या तो कार्बोरेटर की इनलेट जो है वो थोड़ी सी ऊपर कर दें हम किसी तरीके से मॉड करके, और या फिर ऐसे एरियाज़ में बुलेट को या फिर किसी और बाइक को चलाएं ही ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है, आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है और आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो अंत में इन सबको कोलैबोरेट करके मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अगर एक ऑप्टिमम आरपीएम के ऊपर अपने बुलेट को पानी में से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका बुलेट निकल जाएगा, पर अवॉइड कीजिए कि आप ऐसी सिचुएशन में फंसें, क्योंकि हो सकता है आपका आरएच कवर आगे से ढीला हो, वहाँ से पानी इंजन ऑयल में चला जाए। तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, ब्रीदर पाइप में थोड़ा बहुत भी क्रैक हुआ तो पानी अंदर जा सकता है, उस केस पे भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अवॉइड करें कि आप ऐसी जगह से पानी में से निकलें। ऑफ रोडिंग के शौकीन यहाँ पे बहुत है मुझे पता है, मगर फिर भी अपनी मशीन से प्यार करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है और मेरे डेली अपडेट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जितनी शेयर करेंगे उतनी बढ़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नॉलेज से भरी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ, मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।